मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीवा प्रभाग समिति के सामने आज दीवा के रोहिदास मुंडे ने पानी के लिए पानी हक आंदोलन किया। इस आंदोलन में काफी महिलाएं शामिल थी। रोहिदास मुंडे दीवा शहर में पानी की समस्या को लेकर आज दीवा प्रभाग समिति के सामने मंच लगाकर आंदोलन पर बैठ गए। इनकी मांग है कि कम से कम 90 लीटर पानी मिले, जो उनका अधिकार है, मगर वो भी नहीं मिल रहा है। कई कई दिन गुजर जाते हैं मगर पानी नहीं आ रहा है। लोगों को पानी की काफी किल्लतें हैं। क्या कहा है रोहिदास मुंडे और आंदोलनकारी महिलाओं ने? हमारी मांगे यही है कि पूरे कॉरपोरेशन के एरिया में कॉरपोरेशन ने 135 लीटर है डेली का, एक आदमी को पानी मिलना चाहिए ये बोले। और हमारा यही मांग है कि अगर थाना में सबको अगर एक 135 लीटर अगर पानी मिलता है तो दीवा वासियों के लिए क्यों नहीं। हमारी यही मांग है कि अगर 135 में अगर 90 लीटर पीने का पानी है और 45 लीटर यूज़ के लिए पानी किया जाता है, हम तो यही कहते हैं कि हमको यूज़ के लिए दे मत, लेकिन जो पीने का हमारा हक का पानी है 90 लीटर, वो तो हमको दीवा वासियों को मिलना ज़रूरी है। क्या अभी तक किसी मनपा के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है इसको लेकर? 3-4 दिन पहले पानी खाते के जो अधिकारी है अपने गीते साहब, उनके साथ बातचीत हमारी हुई थी। उन्होंने बोले आप अनशन पे बैठ रहे, हमने बोला हमारे ये तकलीफ है, हमको 90 लीटर पानी मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी ही चर्चा उनके साथ हुई है। अभी तक कोई आया क्या मनपा का अधिकारी यहाँ पर? नहीं नहीं, अभी तक कोई आया भी नहीं है। सर अभी क्या हम लोग को पानी का इतना प्रॉब्लम है, क्या करें? कितना टैंकर का मंगाए और हम लोग को पानी मिलता नहीं। क्या अप्रैल महीने से पानी नहीं मिला है, बोलो क्या करें उसके लिए? और पीने का पानी 15 दिन में मिलता है तो 4 डब्बे में आदमी क्या करेगा? इलेक्शन आएगा, नगर सेवक बोलेगा मुझे वोट दो, मैं करके देता हूँ। इलेक्शन बाद कोई देखने नहीं आता चाली में। हमें परेशान है पानी के लिए, जहाँ जहाँ पैसा भरो, कहीं 3000-4000 भरो, 1500 भरो, 1-2 महीने पानी देंगे उसके बाद बंद कर देंगे। हम लोग कहाँ कहाँ तक भटकेंगे अपने परिवार लेके? ज्यादा नहीं आता है, वही चोरी फोरी का लाइट आता है। 4000 हम लोग भरते हैं, परेशान हम लोग। टाटा पावर रोड वो भी सब लोग धमकी देते हैं, टेस्ट पावती नहीं जाओ लाओ अपना। जब हम लोग को बिल्डर के लोग सब लोग बिल्डर लोग मुंह दिखाने नहीं आते हैं, पैसा ले लिए हैं और बिल्डर लोग हम लोग को कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। हमारे आदमी लोग बाहर आते हैं, हम लोग ज्यादा लफड़ा करेंगे तो बाहर आदमी लोग को मारे पीटेंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बसे हैं यहाँ पे, बाहर निकलने गाँव वाले लोग देते ही नहीं है। कभी पानी आता ही नहीं, एक डिब्बा मिलेगा तो पानी हम लोग का पानी एक डिब्बा मिलेगा, फिर उसके बाद में पानी मिलता ही नहीं है। बोलते हैं टिप पावती दो, और हम लोग को डुप्लीकेट कागज दिए हैं, ओरिजिनल कागज भी नहीं दिए कि कुछ अपना काम मतलब कोई किधर जाओ करा लो। हम लोगों को कोई कागज कुछ भी नहीं है, और पूरा पैसा हम लोग दे चुके हैं लेकिन हम लोग को बिल्डर लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 2 साल पहले से ही हम लोग को कागज भी नहीं दे, पैसा लेके और हम लोग को फंसा दिए हैं। केवल पूछने का ना कि पानी कुछ भी नहीं, कागज भी नहीं देते। किधर भी जाओ तो कागज मांगते, बोलते कि जब कागज नहीं सही है तो पानी कैसे मिलेगा, टैक्स पावती नहीं बनेगा। हम लोग कहीं बातें नहीं देने, लोग आते ही नहीं सर ना। वही दीवा प्रभाग समिति के पानी पुरवठा विभाग के उप अभियंता सुनील जाधव ने बताया है कि दीवा में पानी की समस्या सिर्फ पानी चोरी की वजह है। अवैध कनेक्शन के होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अवैध कनेक्शन वालों पर कार्रवाई भी की गई थी और कई लोगों पर गुनाह भी दाखिल किया गया था। दीवा में 32 MLD पानी आता है मगर 5 MLD हमने बढ़ाने की मांग की है। क्या जानकारी दी है पानी पुरवठा विभाग के सुनील जाधव ने? अभी जो ये जो आंदोलन के लिए इधर बैठे हैं वही पूरा तो इलीगल ही है, जो बैठे उसको कुछ बेस ही नहीं है। जो अभी जो आंदोलन के लिए बैठे हैं, दीवा तो पूरा इलीगल है, कंस्ट्रक्शन इलीगल, पानी इलीगल, लाइट इलीगल, ये इधर का मसला है। मगर मुझे आने दीवा प्रभाग समिति उपाभियंता करके मैं जो आया हूँ, मैं दीवा में पानी खाता में, तब की कंडीशन और अभी के कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जाके पब्लिक को भी पूछ सकते हैं यहाँ के। मैं आया तभी इधर जो इनलीगल कनेक्शन और जो लीकेजेस थे वो पूरा बंद किए और इनलीगल के ऊपर कार्रवाई किए। और इनका जो कहना है कि इनको जो पानी जो मिल रहा है वो पानी एकदम जो मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने जो कनेक्शन खंडित किए उनको अभय योजना में लाए, वो क्या लीगलाइज नहीं है? जो चोरी से पानी पी रहे थे
उनको अपन महापालिका के बिलिंग में लाए और महापालिका का भी फायदा किया हम लोग ने। और अभी इनके जो पानी के लिए अभी जो दीवा का पानी 32 MLD है और उसके ऊपर अभी ऑफिस के तरफ से 5 MLD बढ़ाने की मांग की है, उसको मांग वो पूरी हो गए, अभी ये वो अगले महीने में वो पूरा होने वाला है, 5 MLD और बढ़ा के मिलने वाला है। और वो बढ़ा के मिलने के बाद में अभी यहाँ प्रोजेक्ट का लाइन चालू है, उनका प्रोजेक्ट का सर्वे हो गया और वो सर्वे के हिसाब से उनका वो प्लान हाथ में आया है और हर एक गली में हर एक एरिया में अपना जो उधर का लाइन जाएगा और सबको पानी मिलेगा। अभी की जो इनलीगल इनकी जो मांग है वो जो उसको बेस ही नहीं है, क्योंकि उनके वो जो रह रहे सब ही इनलीगल है, पानी इनलीगल, सब इनलीगल, ये जो पहले मैंने बोला। अभी हम लोग यहाँ के जो अभी कार्रवाई करके जो जिनको जिनको अभय योजना में लाए वो अभय योजना में अभी श्लोक नगर में काम चालू है, काम पूरा हो गया, उनको पानी मिल रहा है। ओमकार नगर में काम चालू हो गया, उनको प्लान पानी मिल रहा है। तिसाई नगर में पानी उनको लाइन डाला है। उधर गणेश नगर में पाड़ा में गणेश पाड़ा में पानी, नाइक नगर में अभी इधर कम से कम 10-11 जो हमारा जो पानी का जो लाइन है वो डाल के पूरा हो गया और पानी भी चालू हो गया और पब्लिक समाधानी है। कम से कम 3,500 कनेक्शन खंडित किए यहाँ, जो इनलीगल कनेक्शन लेके यहाँ का जो इनलीगल जो बाजार चालू था वो बंद किया हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर पुलिस केसेस भी दाखिल किया हूँ मैं उनके ऊपर। अभी जो ये लोग 90 लीटर की मांग को लेकर बैठे हुए हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इनका जो मांग है वो ही गलत है, क्योंकि इधर कोई भी लीगल ये बिल्डिंग ही नहीं है ना। जो लीगल बिल्डिंग रहेगा वो लीगल बिल्डिंग को OC CC रहेगा, उसको ही हम लोग वो पूरा पानी दे रहे। उनका लीगल न होने के बाद भी वो जो चोरी से ले रहे थे पानी उसको ही हम लोग ने अभय योजना में लाए, वो तो वो चोरी से ले रहे थे ना, उनका ही पानी हम लोग उनको दे रहे ना, पानी तो उनको पूरा मिल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे इलीगल कनेक्शन है दीवा में, तो क्या आपकी कार्रवाई यहाँ पर इसी तरह जारी रहेगी? जारी रहेगी, जो आयुक्त साहब के कहने से जो मैं इधर आया हूँ, आयुक्त साहब ने मुझे इधर भेजा है दीवा के लिए, उनका विश्वास मैं सार्थ करूंगा। सुनील यादव का कहना है कि दीवा में पानी की समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी, पानी का नया प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। ऐसे में सुनील यादव ने बताया कि दीवा में अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी अवैध कनेक्शन लिए हैं उन पर मामले भी दर्ज किए जाएंगे। वहीं दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जगताप ने आंदोलन कर रहे रोहिदास मुंडे से मिलकर उनकी समस्या दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।